हाँ जी बना दे रोटी। मैंने ना बनाई अभी। तुम अपनी बेटी को तो बोलती ना हो, हरदम मेरे से ही बोलती रहती हो। वो क्या बच्ची है जो रोटी नहीं बना सकती? क्यों करती ना हो काम? तू तो ऐसे कह रही थी, उठा ली बैठ कर खाती हो। पूरा दिन काम करा है मेरी बेटी, तू तो रोटी सब्जी बनावे, वो और काम बतेरा करा है ऊपर के, तुझे उसका काम ही ना दिखता। हाँ सही कह रही हो, मैं तो जब देखू सोती पावे जब देखो। तो मेरी गल तो बहस करे मत ना, दो रोटी देनी है तो दे दे, अन्ना देरी तो मैं तो जा लूंगा खेत पगू, और थाली बैठ कर कोई पैसा ना देता, टाइम पे जाऊंगी जब भी पैसे मिलेंगे। हाँ चली जाओ, जब बन जाएगी रोटी तो खाने के लिए आ जाना। क्या हो गया माँ? अरे कुछ ना होया, बस मेरी किस्मत खराब है, जो काम पे भी भूखी प्यासी जाऊं, दो रोटी ना गिरी अब तक। माँ तुम टेंशन मत लो, मैं खाना बना दूंगी और मैं लेके आ जाऊंगी, तुम आराम से काम पे जाओ अपने। बेटी बस मुझे तो तेरी टेंशन लगी रहे, तेरे सिवा मेरा है ही कौन, ऐसे तेरा भैया ऐसे तेरी भाभी है। अब फिर चालू हो गई दोनों माँ बेटी मेरे बारे में बोलने की, अब ना हो रही लेट तुम? मैं तुझे कुछ ना कह रही, जा रही हूँ मैं। फिर जाओ ना, बैठी क्यों हो? ठीक है बेटी मैं तो चल रही हूँ। बड़ी सगी बन रही है ना माँ की, तो इतनी फिक्र रहे ना माँ की, तो जल्दी उठ के रोटी बना दे कर, क्यों ना बनाती फिर? भाभी तुम माँ को दो रोटी बना कर दे देती तो कुछ हो जाता, तुम मुझसे तो यहाँ लड़ रही हो। ज्यादा ही मेहनती हो रही है तो खुद बना के दे दे कर, क्यों ना बना के देती? अरे क्या हो गया? माँ कहाँ है? माँ तो काम पे गई है भैया। तुम भी बड़बड़ा रही सुबह सुबह। अपनी बहनिया से पूछ लो ना, कुछ काम तो करती नहीं है, मेरे को हुक्म चलाती रहती है माँ बेटी दोनों मिलके। अरे क्या हो गया, क्या कह दी तुझे? क्या हो गया, मैं कुछ काम कर रही थी, क्या ये दो रोटी माँ को बना के नहीं दे सकी? मुझे और सुना के चलेंगी, इसे तो कुछ कही ना। अरे तन्नू तू भी कर देगा थोड़ा बहुत, भीज थोड़ी ना जाएगी तू। भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं घर का सारा काम तो करती हूँ। अच्छा अपने भाई के सामने ज्यादा बोल रही है, कौन सा काम करे तू, सारा काम मैं करूँ। चल जा खाना बना, अपनी भाभी से जीवन मत चलाया कर, सब बढ़िया वो। बैठ स्वाति तू, वो परेशान मत होए कर। परेशान क्यों ना होती, तुम्हारी बहन ने और माँ ने जीना हराम कर रखा है मेरा। तुम तो एक काम करो, उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दो, जब भी मैं चैन से रह पाऊंगी, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे लड़का तो देखना पड़ेगा ना, एकदम थोड़ी शादी कर दूंगा। तो देखो ना जल्दी से जल्दी, चाहे कैसा भी देखो, पर मुझे नहीं पता। देखो गरीबी मिलेगा अमीर तो मिलने का ना, क्योंकि तुम ही गरीब हो तो अमीर कहाँ से मिल जाएगा? अगर तुमने एक भी पैसा लगाया उसकी शादी में तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अरे मैं कहाँ से लगाऊंगा, मेरे पे क्या झुंझुना रखा है? खुद तुम्हारी माँ कहीं से भी करके देगी। चल तू जा अंदर जा, तू ज्यादा परेशान मत होकर, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? जा तू। बस इतना याद रखना, जो मैंने समझाया है ना वो भूल मत जाना बिल्कुल भी। अरे हाँ मुझे सब याद है, जा। भाई सुन कहाँ जा रही है? भाभी वो माँ को खाना देने जा रही हूँ। खाना लेके जल्दी, घर का काम कौन करेगा, पहले जाके काम कर ले उसके बाद खाना लेके जाइयो। भाभी मैं पहले माँ को खाना दे आऊँ, मैं काम आके कर दूंगी, माँ को भूख लग रही होगी, सुबह की भूखी गई हुई है माँ। पहले जाके काम कर ले ठीक है, ये रखा खाना बाद में ले जाइयो जाके। भाभी तुम क्यों कर रही हो ऐसा, मेरी माँ सुबह से भूखी है, मुझे पहले खाना ले जाने दो। भूखी है तो मर ना जाएगी, भूखी है जाके काम कर ले पहले। भाभी ऐसे मत ना बोलो, जा काम कर ले जाके, बाहर रखा ही ले ले। रोटी बना के चल दी, काम धंधा करना रही बिल्कुल भी। सुबह से भूखी होगी, भाभी ने मुझे जान भी नहीं दिया।
हे भगवान, भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी के लिए खाना भी नहीं ले जाने दिया। बेचारी मेरी माँ सुबह से भूखी है, मेहनत कर रही है, भूख तो लगी रही होगी, तब भी खाना नहीं ले जाने दिया। मैं क्या करूं? पर कर इसे मुझे काटन दे, पर काटूंगा। डोला साफ करना है ना ये जूते का खेत। और तो तन्नु रोटी लेके ना आई, पता ना बनाई है जन ना जन, पता ना मेरी छोरी से लड़ी रही है वो। आज तो आई ना छोरी, पता ना क्या बात होगी। सुवाती लड़ तो ना रही है मेरी छोरी से। मेरी तो बेचारी सीधी छोरी है, उस पावे ना लड़ना ना कुछ आवे। चल कोई बात ना, मैं तो घर जाके खा लूंगी रोटी आज। रामकली बड़ी मेहनत कर दी है धूप में। अरे रामकली आजा, छा में बैठ जा, पानी वानी पी ले। यूं नहीं आ रहा मेरे कान खाता रहे। यूं ऐसा खेत वाला बनाऊंगी इसे ना जाने कैसा, जो इसने मेरी गैल आज फालतू बोल ला ना, आज इसे खोद का खड्डा इसे जिंदे को दाब दूंगी यहाँ। ताई ठीक कह रही हो तुम, यू बुड्ढा है ही ऐसा, पूरे गांव की मेहरबानी ने छेड़ता रहा पूरे दिन, यू ही काम है बस यहाँ का। नुई ना इसके खेतों में कोई काम करने वाली। हाँ नुई मना कर रहा है इसके खेत में काम करने की नहीं, पर हम कहाँ सुनने वाले। चल सुन लेते हैं इसकी क्या कह रहा है। इसे काट दू एक मुट्ठी से, डोला साफ हो जाएगा। चल इसकी सुनो पहले क्या कह रहा। आ जाओ देखें आ क्या कह रहा है। लगता आ रही है, पर ये क्यों आ रहा है इसके पीछे पीछे? तू क्या करने आया है? पानी को रुक के मचा रहे, पानी लाए भी हो? कहाँ है पानी, ला दे। पानी तो आ जाएगा, ये क्या कर रहा है पीछे आ गए? मैं भी पानी पीने आया, मुँह भी प्यास लग रही है। अरे काम कर ले थोड़ा सा। अरे चल काम करेंगे, ये ना लाए पानी वानी। ताई यहाँ ना कहीं पानी वानी दिखाई दे रहा, ये तो वैसे ही परेशान कर रहे हैं हमें। आ तो काम कर। अरे आ ले, मेरी तो बेटी आ गई। आ गई बेटी तो? हाँ माँ आ गई। लो तुम पहले खाना खा लो। तन्ने बड़ी बार कर दी। माँ कोई ना, वो थोड़ा सा काम था घर का, वो करके आई हूँ। चल ठीक है, मको बैठ ला पेड़ के नीचे को। आ जाओ माँ। आ जाओ जी रोटी खा लो। अरे राम के लिए हमें बता देती, रोटी तो हम भी लेते। बेटी को क्यों परेशान करा, हम तो थे यहाँ पर। और तेरी लाई भाई रोटी खाऊंगी, आया रोटी ले आता। चल बेटा खा ले रोटी तू भी। ना ताई रोटी तो मैं खा गया हूँ, मैं तो थोड़ा सा पानी पीऊंगा। चल पानी पी ले। माँ तुम रोटी खा लो। खाऊंगी बेटी अभी। तू एक बात बता, तू कैसे उदास हो रही है इतनी? माँ कुछ ना, तुम्हें वैसी लग रही है। तुम खाना खा लो, तुम सुबह से भूखी हो, मुझे तो टेंशन हो रही सुबह से नहीं। तन्नू तेरा साफ साफ दिख रहा चेहरा उदास, कुछ ना कुछ बात है तू मेरे से छुपा रही है, बता ना क्या बात है? माँ कुछ ना हुआ, तुम रोटी खा लो। वो थोड़ा सा काम पड़ा था, अब मैंने सोची पड़े ही रहेगा, आराम से रोटी दे आऊंगी। मैं आराम से आई हूँ काम वाम करके, अब तुम आराम से रोटी खा लो। चल अरे कैसा खुला है ये, खुल गया। माँ मैं यूँ कह रहा, तन्नू की शादी के बारे में ना सोच रही होगी तुम, उसकी शादी वादी करो। भारी लगन लगेगी तो जब है ना। माँ भारी की बात ना है, तन्नू की उम्र तो हो ही गई है, और शादी तो आज ना तो कल तो करनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ कर दो। बातों में हो जाएगी शादी? अरे देखने को लिकट लड़का, मैं जाऊंगी लड़का देखने, ढूंढ और कर पैसों का इंतजाम, या तो कर ही दूंगी। चलो तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ। पर तू नू बता, तन्ने थोड़े घने जोड़ रखे हैं पैसे या ना? माँ मेरे पास ना झुंझुना भी। तो तू सारे जो कमावे सब लुगाई को चटा दे, अब मैं खर्चा चलाऊं या जोड़ू पीछे को, क्या करूं मैं?
अकेले माँ ज्यादा खर्चा न करने के हैं, तो गरीब से रिश्ता देख के फेरे डाल देंगे। ठीक है, तू भी देखने को लिखट लड़के को, एक ने मेरे से क्या रखी उसके घर जाऊंगी बूझना। ठीक है तो मैं आ रहा हूँ आधे एक घंटे में, तुम इतने आराम करो। क्या कह रही तुम मम्मी से कि सारी कमाई मुझे ही जटा देवे, मुझ पे ही लुटा देवे? और किसको देगा? मुझे ना देगा, तुम्हारी बेटी को देगा। सारी कमाई तुम्हारी बेटी पे ही लुटाएगा, हमसे कहने की जरूरत ना, और ना मेरे पति से। कोई बात ना, तो मैं तो इस घर को बेच कर ब्याह कर दूंगी छोरे का। जाओ किराए पे। ऐसे कैसे बेच दोगी, ये घर मेरे पति का भी है। कहाँ से लाई अपने पति को? तो मुझे बताना कहाँ से लाई। और जब घर बेचूंगी ना, तुझको त्याग तो पते भी ना चलन, तू कद में बिका कर। मैं भी देखती हूँ कैसे बेच दोगी, तुम्हारी लड़की है तुम देखो। हाँ ठीक है, मैं ही देखूंगी, मेरी छोरी है ना। अब तू चली जाए, मेरे सिर में दर्द मत करे, जा। मुँह कह रही एक पैसा ना दूं। अरे मैं तो घर बेच के ब्याह भी कर दूंगी और अपने बुढ़ापे के लिए भी बैंक में जमा कर दूंगी, तू है कौन सी हवा में। माँ क्या हो गया, भाभी कैसे बड़बड़ाती जा रही थी ऊपर उल्टा सीधा? इसका तो काम है बड़बड़ाने का, बड़बड़ान दे। अरे यू कुछ कहवे ना तुझे, मुझे बता दिए सर, इन्हें खून पी लिया। माँ तुम भाभी से बोले मत करो, भाभी तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम चुप ही रह करो बस। चल तू ज्यादा दुखी मत होकर मेरे चक्कर में, रोटी टुकड़ा खा ले, मैं एक जगह गुजार रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ माँ? अरे आऊँ हूँ मैं, तन्ना किसी काम से जा रही हूँ। माँ जल्दी आ जाइयो। हाँ ठीक है। उसके मुँह मत लगी, वो भौंक रहे ना भौंक कर देगा, उसे समझ है कुतिया, कलिहारी रह ना भौंक भौंक करती रहे, उसके मुँह मत लगा खरा। ठीक है माँ, मैं लग रही उसके मुँह। लग रहा है यही घर दिखे है, बताया था सबको। या बेटा तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं आज, और उनके सामने थोड़ा ठीक से रही हो। माँ तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए और क्या ना, इतना याद रखना बस। अरे हाँ ठीक है, तू चुप रही हो बस। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो चुप भी हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, आ गई आप? आ गई, मैं तो भूजती भूजती। चलो बैठो, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम तो। और घर में सब ठीक ठाक? हाँ जी हाँ सब ठीक है। मैं इतने चाय लेके आती हूँ, जब तक आप मेरे बेटे से बात करो। यह है मेरा बेटा। और बेटा पढ़ाई पूरी होगी तेरी? हाँ आंटी पढ़ाई तो पूरी होगी। फिर आगे क्या करोगे, काम करोगे कहीं, जॉब करोगे क्या? आंटी मैं तो अपना बिजनेस ही करूँगा एक डेढ़ साल में बस। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का तो मुझे पसंद है जी, आप भी देख लो मेरी बेटी को। हम क्या देखेंगे, आपने हमारा लड़का देख लिया तो समझो हमने आपकी लड़की देख ली। और आपकी लड़की के बारे में तो शरणवीर सिंह ने बता दिया था हमें कि बहुत सुशील घर की लड़की है वो, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो आप। ठीक है बहन जी, और अपनी मांग तांग बता दो कुछ। मांग तांग हमारी कुछ नहीं है जी, बस हमें तो लड़की चाहिए आपकी। बस जी मेरे पास तो लड़की लड़की है, और देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस हमारा घर संभाल ले और टाइम से अपना निशांत को खाना पीना देती रहे, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए हमें। वैसे मेरी लड़की बहुत अकलमंद है, घर का सारा काम काज जाने। अच्छा हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा खूब करेगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बहन जी, अब आ गया दो चलो। ठीक है। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। माँ ये क्या कह दिया तुमने कि हमें कुछ ना चाहिए? क्यों ना चाहिए हमें कुछ भी, हमें तो दहेज में कार चाहिए। जब ही करूँगा मैं शादी, वरना मैं ना करने कौन शादी। अरे बेटा कारोबार का क्या करेगा, कार तो है हमारे दो रहे, नू बता क्या करेगा तू कारोबार का। और हमें तो लड़की चाहिए जो हमारे घर बार को संभाल ले। और वो चरणवीर सिंह वो कह रहे थे लड़की सुंदर है सुशील है घर बार संभाल ले, क्या चाहिए नू बता दू। ठीक है तो माँ मैं अपने आप बात कर आऊंगा शाम को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा लड़का क्या करेगा, कहीं उल्टी सीधी बात ना बोल दे वहां जाके। पता ना माँ भी कहाँ चली गई, इतनी देर हो गई अब तक भी नहीं आई। अरे तू
यहाँ बैठी है, ये ना सोच रही कि घर का सारा काम पड़ा उसे कर ले। वो भाभी मैं तो माँ का वेट कर रही हूँ, माँ कब तक आएगी, अब तक नहीं आई, कहीं बाहर गई है। और घर का काम तो मैंने सारा कर दिया। काम कर दिया? कपड़े तो रह गए, कपड़े कौन धोएगा? तेरा बाप धोएगा आके? भाभी ये क्या बोल रही हो तुम, मुझे और माँ को तो तुम पूरे दिन सुनाती रहती हो, अब मेरे मरे हुए बाप को बोल रही हो तुम? उनके बारे में नहीं सुनूंगी मैं कुछ भी। अच्छा नहीं तो क्या करेगी तू? और तेरी माँ की बात पूरे दिन तो हांटती रहे मैं, वो तो घर में बिल्कुल बैठती ना, तो उनका इंतजार कर रही है बैठी। भाभी तुम इतनी सी भी तमीज नहीं है माँ को इतना बोल रही हो, वो किसी काम से तो गई होंगी बाहर। मुझे तमीज मत सिखा, आई समझ में? वो तो मुझे पता वो किस काम से जाती हैं, पूरे दिन हांडने कोई जावे। तू क्यों पड़ रही है मेरे छोरी के पीछे? मैं हांडू या कुछ भी करूं तुझे क्या मतलब? मैं ना पड़ रही ना मुझे मतलब। क्यों रो रही है तू, चुप हो जा। माँ आज तो भाभी ने मेरे पापा को भी बोल दिया उल्टा सीधा, ऐसे कब तक चलेगा? कोई बात ना, इसे बोल लंदे, कितना बोल लेगी ये लड़का, देख कहीं हूँ तेन। चुप हो जा तू, रिश्ता कर दूंगी अब तेरा, बहुत अच्छा लड़का, तू देखेगी ना तनु ही कहेगी हाँ मम्मी ने अच्छा लड़का देखा, सुंदर है और परिवार भी अच्छा, जल्दी से जल्दी तेरा ब्याह कर दूंगी, रो मत तू, रो तो जीना ही हराम कर दिया तेरा भी मेरा भी, चुप हो जा। पर माँ तुम मेरी शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से लेके आओगी? तू अपनी माँ को पागल समझ रही है क्या? अरे इस घर को बेच कर तेरा ब्याह कर दूंगी, जो पैसा बचेगा उसे बैंक में डाल लूंगी, नहीं तो फिरा दूंगी, धक्के खवा दूंगी, कभी नहीं जान रहे हो, धक्के खाते डोल लेंगे। अमित हाँ, तन्नु भी नहीं लड़का देखा ही मैं आज। अच्छा लड़का अच्छा सुंदर है, लंबा ठाड़ा। कहाँ पे? यही पास वाले गांव में ही है। मांग तांग देख बेटा अभी तो कुछ है ना उनकी, कुछ तू जोड़ पैसे कुछ मैं करूंगी, आई छोरी के फेरे फेर दो अपना। ठीक है माँ, जैसा आप करो ऐसा कर लेना। देख बेटा अब थोड़ा सा अपनी बहू को भी समझा ले, ये खड़दू खाना रोज का अच्छा ना रहता घर में, कह दिन की यही छोरी अब। अच्छा ठीक है समझा दूंगा। अरे तू बेटा सब ठीक ठाक तो है? माँ ये कौन है? अरे बेटा यू ही तो हो जिसे मैं देख कहीं तन्नू की नहीं हो। अच्छा आजा बेटा बैठ, कुर्सी ठाला रे, बैठ जा। कैसा आना हुआ बेटे एकदम? आंटी कैसे, क्या मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। हाँ बेटा बोल, के बात है? बात क्या आंटी, मैं तुमसे साफ साफ बात करने आया हूँ, अगर तुम्हें अपनी लड़की की शादी मुझसे करानी है ना तो मुझे चाहिए दहेज में कार, वरना मैं तुम्हारी लड़की से शादी ना करने को। बेटा यू के कह रहा तू, तेरी मम्मी तो जब नू कह रही हमें कुछ ना चाहिए दहेज में, अब तू कार मांग रहा, हमारे बस की ना कार वार देनी। ठीक है तो आंटी जी, अब मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकता, और हाँ इस विषय में मेरी मम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है अब। अरे बेटा बात तो सुन। माँ तुम तो एक दिन की मांगता कुछ ना। अरे इसकी माँ ने तो बिल्कुल मना कर दी कि हमें दहेज ना चाहिए, अब पता ना भैया बाद में क्या हुआ, जन इसकी माँ ने सिखा के भेज जा, अब कहीं इसके यार दोस्तों ने सिखा के भेज जा, के कर सके। माँ अब कैसे करेंगे, एक ही तो रिश्ता मिला था वो भी टूट गया। कोई बात ना बेटा, अब देखेंगे कहीं और, मेरी की तो किस्मत ही खराब है। माँ यू भी सही है जो भी बता गया यू बात, नहीं तो बाद में हमारी तन्नू को दुखी रखता। ठीक कह रहा बेटा तू, अब कैसे करोगी? अरे कैसे करेंगे कहीं और देखेंगे भैया। अब क्यों रो रही है, तू तो बहुत बड़ी मनुष्य है, मनुष्य है, इस घर को भी मनुष्य बना रखा, गिना चुना एक रिश्ता हुआ वो भी टूट गया, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो कहीं जाकर डूब के मर जाती, तू तो अब भी बैठी है। मैं तो ये सोच रही थी इस घर से जल्दी कब जाएगी, अब तो यही पड़ी रहेगी, तू तो कहीं ना निकलनेगी, यही मेरी छाती पर रहेगी, अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तो कहीं डूब के मर जाके। कहाँ जा रही है जानने दो, जहां मर्जी जाए। अरे सुवाते ये तन्नू कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता,
कहाँ जा रही है? जा रही होगी कहीं? जरूर इसने कुछ कही है, जब ही जा रही हूँ। अरे बता रही ने, बता रही कहाँ गई है? मुझे ना पता, तुम्हारी बहन कहाँ गई है जाके देख लो जाके खुद। अरे ये गई तो गई कहाँ, अगर इसने कुछ कर लिया ना तो मेरा तो जीना हराम कर देंगे ये माँ बेटा। ये काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे जाती हूँ, देखो तो सही कहाँ गई है। ऐसा तूने मेरी बहन से क्या कहा जो आज मरने पर मंजूर हो गई है? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर बात क्या, बात बता, नहीं बताएगी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी रुक जा, आज तुझे इस फंदे पे तुझे ही लटकाऊंगा। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, बस बता जल्दी। अरे छोड़ दे, मान जा। तन्नु मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझसे इतना उल्टा सीधा बोला। तन्नु मुझे नहीं पता था कि मेरे दो बोल से तू इतना बड़ा कदम उठा लेगी। आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। आज के बाद लड़ना मत। कोई बात नहीं भाभी, अब जो हुआ सो हुआ, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, कोई बात नहीं। चलो अब घर चलो। मैं यही तो चाहूँ दोनों नंद भाज मिलकर रहो, तो मेरे दो चार थोड़ी बैठे हैं, तमी तो हो मेरे तीनों बच्चा। कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। चाय। अरे तुझे मैंने कितनी बार बोला है, मुझे चाय 7 बजे ला के दे दिया कर, पर तेरे समझ में नहीं आती। माँ 10 मिनट ही तो ऊपर हुए हैं। हो गए 10 मिनट, सारा दिन अपने सिंगार में लगी रहे। माँ जी गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, उसे बदलने में टाइम लग गया बस। जा अब जुबान मत लड़ा, मुझे 9 बजे खाना चाहिए। ठीक है माँ जी। माँ तुम हरदम भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बड़ी मुश्किल से तो रवि भाई की शादी हुई थी। दुनिया के सारी लड़कियां मर थोड़ना गई थी, 1 साल और देख रही हूँ मैं। अगर तो कुछ बच्चा हो गया तो है ठीक, नहीं तो मैं दिलवाऊंगी तलाक। अच्छा माँ मेरा टिफिन दे दो, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। ले। तुम्हारे तो यही चलते रहेंगे। हेलो। हेलो। हाँ कोमल। हाँ भैया। अरे पगली तू रो क्यों रही है, क्या बात है? भैया या तो मुझे यहाँ पे आके ले जाओ या फिर इन लोगों को आके समझा दो, इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। चल तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आज ही आ रहा हूँ। ठीक है भैया। ना मालूम कोमल को क्या परेशानी है,
जाना तो पड़ेगा। भाभी किसे फोन कर रही हो? अपने भैया को। क्यों भाभी? कल मुझे मेरे भैया लेने आ रहे हैं। भाभी ऐसा मत करो, क्योंकि देखो घर में तो ये सब छोटी मोटी बातें चलती ही रहती हैं। शीतल मैं कितना बर्दाश्त करूं और कब तक बर्दाश्त करूं, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। भाभी तुम चिंता मत करो, माँ मुँह की बड़बड़िया है, वैसे वो दिल की बुरी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। राजू भैया मुझे कल लेने आ रहे हैं, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। भाभी ऐसा मत करो, घर में तो ये सब छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। शीतल अब तुम ही बताओ मैं कब तक बर्दाश्त करूं और कितना बर्दाश्त करूं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, हरे राम। नमस्ते बिरजू बेटा, बैठ जा बेटा। और बुआ जी तबीयत कैसी है आपकी? अरे बेटा तबीयत किसी होगी बुढ़ापे में, कदे कुछ बीमारी कदे कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ लगे ही रहे। हाँ बुआ जी बात तो सही है, बुढ़ापे में ये सब लगा रहता है। और ऊपर का चिंता, दिमाग दिन रात घूमता रहे। चिंता किस बात की बुआ जी, अब तो रवि की भी सरकारी नौकरी लग गई। अरे बेटा पैसे की तो चिंता नहीं है, पर रवि की शादी न 3 साल हो गए लेकिन आज तक उसकी गोदहरी नहीं हुई है। अरे बुआ जी बच्चा भी हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 8-10 साल बाद बच्चे होते हैं। और सुना बेटा घर में सब ठीक ठाक है? हाँ जी बुआ जी सब ठीक है, आज मेरा मन किया कि बुआ जी से मिल के आऊँ तो यहाँ चला आया। और रवि कहाँ है? वो तो बेटा ड्यूटी पर गया, क्या हम नहीं वापिस आवेगा। और शीतल बहन कहाँ है? वो तो कॉलेज में गई, और मुझे भी भागवत कथा में जाना है। अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गया, कम से कम आप तो मिल गई। हाँ बेटा कोमल पानी ले आइए, गिलास बिरजू बेटा आया है। ला रही हूँ जी। लीजिए पानी। भाभी जी, ओ मेरी प्यारी भाभी जी। हाँ जी। इधर तो आओ जरा। जी अभी आई। हाँ जी। अरे भाभी जी बैठो ना। अभी बैठने का टाइम नहीं है, मैं अभी खाना बना के ला रही हूँ। अरे बैठ जाओ ना, मैं क्या रोज रोज यहाँ आता हूँ। बोलिए। भाभी जी आप तो बहुत सुंदर हो, मेरे भैया की तो किस्मत ही खुल गई है। जैसे आपका नाम कोमल, वैसे आप कोमल कोमल हो। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज तो मैं इन खूबसूरत होठों का रस पीऊंगा। चलो मैं जाती हूँ। अरे नहीं जाती हूँ, जा रही हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ रहा नहीं? मैं नहीं छोड़ने वाला भाभी जी। आज ये क्या बदतमीजी है बिरजू, ये क्या हो रहा है? शीतल ये देखो बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ में। कुछ नहीं दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं शीतल ये मजाक नहीं कर रहा था, और अगर आज तुम नहीं आती तो ये पता नहीं क्या करता मेरे साथ। हराम जाने कुत्ते, चला जा हमारे घर से, और आज के बाद दिखाई मत दियो यहाँ पर। लो दूध। गरम तो नहीं है? नहीं तुम्हारी तरह ठंडा है। ठंडा? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, पी लो।
सो गए क्या? हाँ मुझे नींद आ रही है। अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे कुछ तो बात किया करो, लेट नहीं सो जाते हो डेली? अब रात को क्या बात करोगी, सो जाओ। पति पत्नी में बात नहीं होती क्या? अरे बात करने के लिए दिन छोटा पड़ता है क्या? सुबह कर लियो बात, अब सो जा। बात नहीं करनी थी तो शादी क्यों की मुझसे? लो करो बात, क्या बात करनी है तुम्हें? अब मैं तुम्हारी माँ के ताने सुन सुन कर परेशान हो चुकी हूँ। अरे घर की बड़ी है, अगर एक दो बात कह भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे रोज रोज की चिक चिक पसंद नहीं है, और मैं कल अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। अरे पागल हो गई है, फिर घर का काम कौन करेगा? तुम्हें तो घर की नौकरानी चाहिए, और कोई फर्ज नहीं है तुम्हारा, बस इसमें पत्नी की खुशी होती है। अरे मैं सारे फर्ज निभा तो रहा हूँ, टाइम से तुम्हें खाना मिलता है, टाइम से तुम्हें कपड़ा मिलता है, और जो जरूरत का सामान है वो सब ला के देता तो हूँ। बस इसी में पत्नी की सारी खुशी होती है। अगर कुछ और चाहिए तो सुबह बता देना, और फिलहाल मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। हाँ कर लेना। मौसी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आजा आजा। और जीजा जी कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। और बेटा घर ठीक ठाक है सब? हाँ मौसी जी सब ठीक ठाक है एकदम बढ़िया। अच्छा ले बेटा चाय पी ले। ना मौसी जी अभी जरा बाहर से आए हो ना, अभी नहीं। तुम्हारा भाई आया है, एक गिलास पानी ले आओ। अभी नहीं। और सब घर में ठीक? सब बढ़िया जी एकदम। भैया नमस्ते। नमस्ते। अच्छा कोमल ये बताओ तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? भैया मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से लेकर चलो। कहाँ ले चलो, कहाँ जाएगी तुम? मैं अपने घर जाऊंगी, मुझसे आपके रोज रोज के ताने नहीं सुने जाते। मौसी जी ऐसा क्यों करती हो आप? अरे भाई दो उनसी बात हो नहीं, बात तो कही जागी। और 3 साल हो गए 7 दिन है, आज तक हमारे घर में खुशियां नहीं आई, और आस पड़ोस वाले भी ताने मारन लग गए अब तो। तो इसमें मेरी क्या गलती है? ना गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है जो तुझे पसंद करके आई थी। माँ इसमें तुम्हारी क्या गलती है, भाभी तो बहुत सुंदर है। अरे ऐसे पौधे का क्या करें जिसमें फूल ही ना खिले। मेरी गलती तो आपने निकाल दी, क्या आप अपने बेटे का कसूर जानती हैं? तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? भैया हमने डॉक्टर के पास जांच कराई है, इनकी कमी मुझ में नहीं इनमें है। ए? हाँ माँ जी मैं तो इनकी इज्जत के लिए कुछ नहीं बोलती। रवि यह बहू क्या कह रही है? हाँ माँ ये सही कह रही है, कमी मुझ में ही है। अरे तो यह बात तन्ने मेरे से पहले क्यों नहीं बताई, रोज मैं इस बहू ताने मारती रही। माँ मेरा इलाज चल रहा है, कुछ ही दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। बीती कोमल मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। माँ मेरी भाभी लाखों में एक है। हाँ बेटी हीरा तो हम ब्याह लाए, लेकिन हमने हीरे की कदर नहीं करी। आजा बेटी कोमल आजा, आजा बेटी कोमल, ये तने कित ही नहीं जाना और यहीं रहना, और मेरी बेटी बनकर रहना। अच्छा you
भाई वो तो काम हो गया। शिवानी, ए शिवानी, शिवानी, ए शिवानी, क्या हो गया? ए बेटी, गाय का तो सारा काम मैं कराई और गोबर भी तसले में डालाई। देख इब मैं गई थक, तू नू कर उस गोबर न जाके कुरड़ी पे गेरा। ना माना, मैं गोबर वोबर नहीं डालूंगी, आप खुद ही डालाओ। ए बेटी, थोड़ा बहुत तो घर का काम करवाया करे। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। बता किसी बहु आई इबिया गोबर भी ना गाले। करूं तो करूं के, ले मैं जाऊं, मने कर काना पड़ेगा। ले भाई इब दोबारा घेर में जाऊं, इब गोबर घेर खाऊंगी, फिर की तय रोटी बनेगी। ले भाई मोनी, तेरा गोबर भी मैं ही ठाऊंगी, के करूं बहू ना करे कुछ भी। चाची राम राम। ए राम राम बेटी, ए गंदे हाथ हो रहे ना, तने पुचकार भी देती। चाची ये तू के कर रही है, भाभी कहाँ है? बेटी गोबर घेरन जाऊं हूं, घेर का सारा काम कर काई हूं। और तेरी भाभी घर में होगी, कुछ करती होगी। एक बात कहूँ, ये सारी गलती भैया की है, सर पे चढ़ा रखी है वो। तुम तो सारे दिन काम करती रहो और वह आराम से बैठी रहे। ए बेटी के बताऊँ इब तने, चल तू जा कोई बात ना कॉलेज, तने भी देर हो रही होगी। एक काम करो, ये मुझे दे दो, मैं कर लेती हूँ। ए ना बेटी, थोड़ी सी दूर रह गया, मैं घेर आऊँगी और तू जा, और तेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, कर आऊँगी मैं, जा तू। ठीक है, ध्यान रखियो। हाँ ठीक है बेटी। बहू ने ब्याह कलाई थी, यूं सोची थी घर का सारा काम कर लेगी, मने के बेरा था ये शहर की बहू लाके, और मने पछताना पड़ेगा। ए भगवान, किसी तो कुछ कह भी ना सकती, मेरी हंसी हो जाएगी, लड़ाई बैठ के थोड़ा सुख दुख रो लूं अपने। ओ भगवान, पर के करूं, ले यहाँ बैठे तभी काम चलेगा, चाल घर जाना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। इबिया गाय मेरी सासू ने बांधी थी मेरे लिए, अनु कही थी लाड तो रखिए इस गाय ने, तब मने तो आता जान तो प्यारी लगे। करूंगी काम तो, करेंगी सारा काम। हाँ इब जाकर रोटी पाऊंगी। बता अब क्या करेगी तेरी बहू? वाह करती होगी कुछ, मने के बेरा जाकर देखूंगी। ले भाई इब घेर का काम तो पूरा होया, लाइव रोटी पोलू और धोलू पहला, बताना ये तो कुछ नहीं खा रहा। माँ क्या कर रही? बेटा कुछ ना, रोटी बनाऊंगी। और वो कहाँ है शिवानी? शिवानी भीतर होगी, उसने ना बनाया खाना। अरे बेटा मैं तो गाय का काम कर आई थी, मगर लाइव रोटी बोलू। और वह कहाँ है शिवानी? भीतर होगी। ठीक है माँ, तू रोटी बोल, मैं देखूं उसे वह क्या कर रही। बता इस छोरे ने भी अपनी माँ की मेर को ना बहुत ऐसी आई आई, ये छोरा भी बहू का गुलाम हो रहा है। बता नू नहीं क्या अके माँ तू की रोटी पोवे है, वह पोलेगी, रोटी भी मैं ही पोऊं, घर का काम भी मैं ही करूं, और के कर सके, बुरे दिन आ गए, करना पड़ेगा, मने तो करना ही है। शिवानी, ओ शिवानी, उठ। क्या हो गया? तू सोई पड़ी और वहां देखिए माँ काम में मंडरी।
मैंने तुम्हारी माँ से कहा है काम करने के लिए, अभी तो मैं आके लेटी हूँ, इतने माँ के तुमने मुझे उठा दिया, पूरे दिन मैं काम करती हूँ वो ना दिखता तुम्हें। ओहो तुझे भी दिन लग रहे, तुझे नू ना दिखता, माँ बाहर गाय का काम करे, तू घर का कर। तुम्हारी माँ से कहा है मैंने गाय का काम करने के लिए, अगर गाय का काम नहीं होता तो बेच दो उस गाय को, मुझसे गाय का और गोबर का काम नहीं होगा जी, साफ बात है। देख यू बात तो तुझे भी पता, माँ गाय से कितना प्रेम करे, वो गाय को तो बेचे ना, पर तू एक काम कर, तू घर का काम कर ले कर, माँ गाय का काम कर लेगी, तू भी राजी और माँ भी राजी, फिर राल किस बात की। देखो मुझसे जितना काम होता है ना उतना मैं कर लेती हूँ, और मुझसे काम नहीं होगा आप मेरा दिमाग खराब मत करो, आप जाओ यहाँ से, ठीक है, मुझे सोने दो, जाओ आप यहाँ से मुझे बस, सोने दो। तुझे तो समझाना ही बेकार है। हाँ हाँ नहीं समझ लेंगे, दिमाग खराब कर देते हैं, नींद खराब कर दी। कूलर में क्या हो गया दीदी? ओ दीदी, दीदी, अरे नेहा तू कैसी है? नेहा बस अच्छी हूँ दीदी, चला बैठ के बात करते हैं। और सुना नेहा, घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया है। और कैसे आना हुआ अचानक? बस ऐसे ही कॉलेज का फॉर्म भरने जा रही थी तो आ गई। अच्छा किया तूने जो तू आ गई। और सुनाओ दीदी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, वैसे तो तेरे जीजू भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं पर हिमायत अपनी माँ की लेते हैं, और ये जो मेरी सासू माँ है ना पूरे दिन पीछे पड़ी रहती है, किड़किड़ किड़किड़, और वो भी गाय का काम करवाती है। तू ही बता हमने कभी अपने घर पर गाय का काम किया है? जो मैं यहाँ करूँगी, पापू ने भी ये मेरी कहाँ शादी कर दी। हाँ दीदी तुम सही कह रही हो, हमने भी कहा गाय भैंस का काम किया है। क्या करूँ सर में दर्द हो रखा है। अच्छा दीदी तुम क्या चाहती हो? कुछ भी करके मैं इस गाय से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अच्छा दीदी मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ, इधर आ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। संजय, ओ संजय। आमा क्या है? छोरे देख को डाना हो गया, और धूप कितनी होगी, खेत का काम करन चाल, मन्ने तो फिर घेर का भी करना है। चले भी चल रहे, मैं जरा बाइक की चाबी ले लूं। जा जल्दी ले आ, बाहर जाऊं मैं इतने। ए चाबी ले ये जरा। कितनी देर में आओगे आप वापस? खेत का काम करने में 3-4 घंटे लग जाऊंगे, बस जो भी वापिस आऊंगे। कहाँ हो आप? अरे वो संजय और उसकी माँ घर पे नहीं है ना, आप घर पे आ जाओ, कुछ काम था मुझे आपसे। ठीक है जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गया ये अनिल, इसे बुलाया था ये अब तक नहीं आया, नहीं कहाँ रह गया। संजय, ओ संजय। भीतर ही चलना पड़ेगा। भाभी जी राम राम। राम राम। संजय नहीं दिख रहा, कहाँ है? अरे वो जरा बाहर गए हैं। ताई भी ना दिख रही, ताई कहाँ है? अरे गई होगी कहीं, मुझे ना पता। क्या बात है, बड़ी छोसे में आ रही है, सब ठीक तो है? अरे खाक ठीक है, सर में दर्द करके रखा है, पूरे दिन काम काम काम, मैं घर का काम करूँ या इस गाय का काम करूँ? लेकिन भाभी तुम इस घर की बहू हो तो काम धाम तो करना पड़ेगा ना। अरे पूरा दिन तो काम करती हूँ, अब क्या इस गाय का भी मैं ही काम करूँ? अच्छा चल ये बता मुझे किस लिए बुलाया था, फोन करा था ना बता। अरे वो मैं ये कह रही थी ये जो गाय है इसे तू बिकवा सकता है क्या? गाय तो मैं बिकवा दूंगा, मेरे दोहरे बहुत सारे व्यापारी हैं, मगर ताई से तो पूछ ले एक बार। अरे तू बता काम कर सकता है या नहीं? अरे काम तो कर दूंगा, क्यों ना करूंगा, बिकवा दूंगा मैं। तू बस इसे बिकवा दे, इसका राड़ा खत्म कर, ये बिक जाए तो सारा राड़ा ही खत्म हो जाए, इसकी वजह से घर में कलेश है, पूरे दिन कहती है इसका काम कर इसका काम कर, ये बिक जाएगी मेरा सर दर्द खत्म। देख भाभी मैं इसे तो बिकवा दूंगा, पर एक बात याद रखियो, ये ताई की खानदानी गाय है,
पुरानी परंपरा से चलती आ रही है। अगर ताई को बेरा लग गया तो बस जहाँ मैं दिखूंगा ना मेरा पिछंडा लाल कर देगी पीट पीट के। देख अनिल आगे की तू तो बता देना, बिकवा रहा है तो बिकवा दे इसने। चल बिकवा दूंगा, कितने की बेचेगी देख ले तू अपने हिसाब से, बस इसका राड़ा कटवा दे। चल ठीक है बिकवा तो दूंगा, पर गाय तो सूख सी रही, थोड़े से कम पैसे मिलेंगे पर मैं बिकवा दूंगा। तू आगे की तो बतावे ना, बिकवा रहा है तो बिकवा दे। ठीक है तो फिर मैं सुबह लेके आ रहा हूँ व्यापारी को। हाँ ले आ तू, देख तू संभाल लियो बाकी की बात वो मैं संभाल लूंगी। बस तो ठीक है मैं कल सुबह लेके आ रहा हूँ, सोच ले अभी मैं देख लूंगी। हाँ चल तो ठीक है सुबह लाऊंगा। ठीक है अब होगा बढ़िया काम, अब होगा इसका राड़ा खत्म, सारी कलेश खत्म हो जाएगी, ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी, फिर मैं आराम से सोऊंगी। राजपाल भाई, ओ राजपाल भाई, और इधर बाहर आइए। रे कौन है? रे मैं अनिल। अच्छा भाई अनिल, राम राम। राम राम भैया, राम राम। वो एक गाय बिकवानी थी यार। किधर है? हाँ हमारे ही है पड़ोस में, ले लेंगे। भाई वैसे गाय का ठीक ठाक सी हो तो क्या रेट चल रहा है? देख चौकी गाय ठीक ठाक दूध दे रही, हाँ तो 25-30 हज़ार की मिल जाए। ठीक। और जो बुद्धि काली सी हो वह 18-20 हज़ार रुपये। चलते एक काम कर, हाँ मैं सौदा थोड़ा कम में पटवा दूंगा, 15 की तू मेरे से डन कर ले, 10 वहाँ दे दिए, बाकी हम ऊपर का कर लेंगे। बोल मंजूर है? सौदा बढ़िया भाई, तू तो माते ठहरा डीलर हो रहा है, अपने आप तो इतने कमाओगा ना भाई, बस 2 पैसे मिल जाए और क्या। ठीक चले, ठीक है चल आज मेरी गेल, आजा आज नहीं कल को तड़की अम्मा कल। हाँ चल तो ठीक है, मैं वहीं मिल जाऊंगा, आवाज मान लिए। ठीक है तड़की आज अम्मा। चल चल ठीक है, आ जाइए भैया। ए दी अनिल आवेगा भी कि नहीं, ऐसी झूठ बोलकर चले गया। अरे ना 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 झूठ ना बोलता, वो आएगा तो जरूर वो खरीदार को लेके। और देखिए तू आज इस गाय का राड़ा काट के ही छोड़ूंगी मैं। राड़ा तो कटेगा भी, आइडिया किसका था? अबे ओ पपी आ गया अनिल तो। हां हां अरे भाई देख ले यू है, न्यू गाय आज भी दिखेगी। भाई अनिल, ओ भाई अनिल। हाँ भाई। गाय तो घनी बोलती है। अरे तब जो देता हो दे दे, जैसे तेरे थारे सामने। एक बात बताऊँ, 10 हज़ार मिलेंगे इस तबत्ती में। तो यार सर थोड़े बढ़ा ले भाई, 10 तो की बड़ी इसमें क्या निकलेगा? भाभी 10 हज़ार बढ़वा दे कुछ देख ले। ना भाभी एक तो तेरा टंटा कट रहा, ऊपर से बढ़वा दे। क्या क्या देख ले? हाँ भाई। हाँ। अरे 15 दे दे। ओ भाई किसी और को बेच दिया ना। ना रुक भाभी दे दे। चल ठीक है कटवा इसका राड़ा। हाँ भाई चल खुलवा ले। हाँ भाई अभी तू चाय का इंतजाम कर, मैं पैसे ले रहा हूँ। चल ठीक है चल चल छोटी हो गया। लाओ भाभी ले पैसे पकड़। गई गाय? हाँ ये तो 8,000 है, वो तो 10 के लेने की बात कर रहा था। हाँ तो 10 तो मूलधन बताया था उसने, अब 10 की बेच के 2,000 तो वो भी कमाएगा ना, इसलिए 8 दिए उसने। अच्छा चल राड़ा तो कटा, तूने दिल खुश कर दिया अनिल मेरा। अब तू भी मेरा दिल खुश कर दे। क्या मतलब? अब 1,000 रुपए मुझे भी दे दे। मान मानेगा नहीं तू, चल ले तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है और देखे ताई को बेड़ा पाट जा, तो तू संभाल लिए वो सब मैं संभाल, मेरा नाम ना बता दिए। हाँ तू बेफिक्र। ठीक है। ओ दीदी क्या हुआ गाय का? गई गाय, लगता है पेमेंट भी हो गई है। हो गई पेमेंट भी, मुझे भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना तो 2,000 रुपए दे देते। तुझे भी पैसे चाहिए अब? तो आइडिया भी तो मेरा ही था। चल ले ले 2,000 रुपए, आइडिया भी तेरा ही था, तू भी याद रखती। चलती हूँ दीदी। ठीक है बाय बाय। Thank you.
माँ क्या हुआ? मेरी गाय नहीं है घर में। गाय ना? किस गई गाय? पता ना, सारे घर में देख ली बेटा, बाहर भी देख ली, पर मेरी गाय ना संजय, मेरी गाय। चुप तो हो जा तू, खुल गई होगी गाय। बेटा ना, मैंने कैरी बांधनी थी गाय अपनी, मेरी गाय कदे नहीं खुलाई बेटा, मेरी गाय पता ना खा गई बेटा। तू ठहर, ए शिवानी यहाँ। क्या हो गया, क्या बता दी? गाय देखी तूने? मैं क्यों देखती गाय? ना मैं गाय का ध्यान रखती, ना तेरी माँ का कहाँ घूमती रहवे। अरे जब तू यहाँ पर रह रहे तो गाय का भी तो ध्यान रख सके। मैं क्यों रखूंगी गाय का ध्यान? ऐसा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत तो है नहीं, मुझे नहीं पता गाय वाय का। अरे मान जा तू, मैं बता दे गाय का है। मुझे क्या पता कहाँ है गाय, हाथ लगाने की जरूरत नहीं। एक तो तेरे पास गाय का ध्यान न रखा जाता और ऊपर से जुबान लगा। ऐसा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे बाप ने शादी करी है, बेचा नहीं है मुझे, अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। अरे तू मान जा। बेटा बहु का मत मार, तू अपनी गाय ने देख बेटा, क्या पता वो खुला गई हो, मैंने ढिल्ली बांध दी हो, ना ध्यान रही हो। माँ तू चुप तो हो जा। अपनी गाय बेच दी। गाय बेच दी? ना बेटे, तने मेरी गाय देखी? मैं दूध लेने आ रही थी, तब मैंने देखा था अनिल तुम्हारी गाय को लेकर जा रहा था। अनिल बेटा मेरी गाय, तेरी दादी ने मेरे तो गाय छोटी सी भाड़न ने दी थी, और तेरी दादी ने नू कही थी बेटी इस गाय ने कदे मत बेची, बड़े लाड तो पाली, जब नया गाय बेचती तो तेरे घर का नाश हो जाएगा, मेरी गाय ले आ संजय। माँ तू चुप हो जा। अरे माँ, ओ माँ, माँ, अरे माँ खड़ी तो, माँ, मेरी गाय, अरे माँ खड़ी हो, तेरी गाय भी आएगी, आएगी तेरी गाय भी, मैं लाऊंगा। रो मत चाची, चुप हो जा माँ। अरे गाय तो बेची है, गाय के बिना कोई मर थोड़ी जाएगा। ए बेटी, मैं मर जाऊंगी गाय के बिना, संजय मैं मर जाऊंगी गाय के बिना, मेरी गाय वाले संजय। माँ तू चुप हो जा। माँ तेरी गाय तो आवेगी, पर उससे पहले यू तेरे घर से जावेगी। सच सच बता दे गाय तूने बेची ना? मुझे ना पता गाय वाय का। हाँ बेच दी मैंने गाय, परेशान हो गई थी मैं उस गाय से, कभी इसका न्याय करते, कभी इसकी सानी करते, कभी दूध निकाल दे, मेरे सर में दर्द हो गया था। एक तो तूने गाय बेची और ऊपर से तू ले रही थी। प्लीज कम मत मारे बेटा, तू मेरी गाय ले आ, बस जा मेरी गाय ले आ बेटा, मेरी गाय लाने से। माँ तू चुप हो जा, तूने गाय बेची ना? गाय बेची ना तूने? निकल यहाँ से और उसी टाइम घर पे आइए जब गाय आ जाएगी। रो ना, माँ माँ तू रोए मत ना, तेरी गाय आएगी, जब तक तेरी गाय ना आने की है घर पे वहाँ भाव भी नहीं आने की है, तू चुप हो जा, मैं लाऊंगा तेरी गाय। अरे साक्षी, अनिल के साथ कोई और भी था? हाँ भैया, एक व्यापारी और था। भैया तुम एक काम करो, जाके पता कर लो, क्या पता आपकी गाय फिर से मिल जाए। देखो चाची क्या हालत हो रही है। चल माँ तू चुप हो जा, तेरी गाय तो मैं जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जा। चुप हो जा बेटा, मेरी गाय ले आई। चुप हो जा तू, गाय लाऊंगा। चाची मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखियो, ठीक है? ठीक है। माँ माँ तू चुप हो जा, तू अपने आप को संभाल, मैं तेरी गाय ढूंढने जा रहा हूँ, जरूर लेता आऊंगा, चुप हो जा तू। मेरी गाय। अरे भाई अनिल। हाँ भाई। मैं तेरे धोरा आऊँ सो। हाँ बता भाई, वह जो गाय बिकवाई थी ना। हाँ हाँ भाई, वह उल्टी दुआ दे। भाई ऐसे कैसे वापस मिल जाएगी, वो तो मैंने व्यापारी को दिला दी। भाई हमारे घर का नाश हो जाओगा, वो हमारी खानदानी परंपरा की गाय है, माँ मर जाओगी मेरी, तू उसे वापस दिवा दे बस। चल भाई मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, अगर उल्टी मिल जाए तो। भाई अनिल अगर 2-4 हजार रुपये भी फालतू जाओगे तो मैं दे दूंगा, बस तू गाय को वापस दिवा दे, ना तो मेरी माँ मर जाएगी। चल मैं देख लूँ। भी देख भाई। डल जा रही है।
हेलो हेलो। हाँ नहीं भाई। हाँ भाई राजपाल क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, कब कड़ी याद आ गई? भाई याद यूँ आ गई, वो गाय बिकवाई थी ना। अच्छा वहाँ बुढ़िया की? हाँ तो भाई वो उल्टी दिवा दे यार वापस। किसी बात करे भाई तू? मतलब आ गया थी पानी बंद भेज दी। पानी बंद भेज दी? अरे यार आज तो लिए उसे। तो मैं कि उसके अचार ये सारा के मैं बोर में मिलेंगे ऐसा आके चला दी वा। अरे भाई उसके घर में राड़ हो गई है भाई, बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया गाय के ऊपर। भाई तू तो वापस दिवा दे यार, कैसे भी करके दिवा दे भाई, 2-4 हज़ार रुपये फालतू ले ले, कोई बात नहीं। 25 हज़ार की? अरे मेरे भाई इतना झूठ ना बोला करते यार, 25 हज़ार की कहाँ चली जाएगी वो, तू तो उसे कमजोर बताया करता था, अब वो कम 25 की गई। चल भाई देख ले यार, उसको मंगा दे यार, मंगा ले उसको, देख ले पूछ। पता नहीं होगी कि नहीं होगी, फिर मैं पता कर दूंगा एक बार, लेकिन 25 हज़ार रुपये की नहीं है। चल ठीक है, मुझे फोन करके बता, ठीक है? ओके ओके। क्या हुआ भाई? भाई वैसे तो बहुत कम चांस है उल्टी मिलने के, फिर भी वो मुझे शाम तक फोन करेगा, अगर मिल जाएगी तो भाई देख 25 हज़ार रुपये की मिलेगी अब। कोई बात ना है, मैं 25 हज़ार ही दे दूंगा। बस तो ठीक है, उसका फोन आती है मैं तुझे फोन कर दूंगा, तू आ जाइए भाई। ठीक है, जरूर दिलवा दिए भाई। ठीक है ठीक है। हे भगवान, मेरे बेटे की मदद करिए, हमारी गाय मिल जाए। मैं अपनी सास से तक जवाब दूंगी, वो मन्नत कदे माफ नहीं करेगी। मेरी गाय ना मिली तो माँ। संजय तू नीचे क्यों बैठी? संजय मेरी गाय बेटा। तू ऊपर बैठ, चल मिल जाओगी गाय। गाय बता, मेरी गाय मिली? माँ आ जाएगी, माँ गाय आ जाएगी। कद आओगी मेरी गाय? ले आऊंगा मैं तेरी गाय, ले आऊंगा दुल्हे का गाय मेरी बेटा। माँ ले आऊंगा, तू चुप तो हो जा। मैंने घर सुनना लगा अपनी गाय के बिना, मैं घर में घुक कर जाऊं, मेरी गाय ला के दे बेटा। बेटा मैं गाय के बिना नहीं रह सकती, मेरी गाय ला के दे दे बेटा, मेरी गाय ला दे बेटा। माँ आ जाएगी तेरी गाय। कद कद आओगी मेरी गाय? ले आऊंगा माँ। ये पहले कहा था मेरी गाय। मैं कल ला दूंगा तेरी गाय। कल नहीं, इधर ला के दे मेरे गाय। मैंने मेरी गाय चाहिए, मेरी गाय ला के दे। जा मेरी गाय ला। कहां से लाऊं तेरी गाय? बिक गए हो? बिक गई मेरी गाय, बिक गई मेरी गाय, बिक गई। ये नहीं हो सकता माँ, मैं वो लाऊंगा तेरे लिए गाय, मैं 1-10 गाय लाऊंगा। माँ माँ तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ माँ उठना, माँ ए माँ, माँ उठ, पिताजी भी पता नहीं कहाँ चले गए छोड़ के। माँ माँ उठ, माँ।